यहाँ पे बैठिए, इसमें बैठिए। इलाज किया तब डॉक्टर ने क्या बताया? काम हो गया मतलब बोला कैसे खुल जाएगा? उन्होंने जो थेरेपी से हुआ थोड़ा फायदा लगा, उसके बाद ज्यादा जाम हो गया। देखो तो ऊपर करना एक बार फ्रोजन शोल्डर में एक्सरसाइज खाली बताता हूँ। बोलो जय शनिदेव। जय शनिदेव। बोलो जय शनिदेव। जय शनिदेव। ज्यादा दर्द हो रहा? दर्द हो रहा? अभी दर्द है कहाँ तक उठता है? यहीं देख जाए। पूछा कि डॉक्टर से ऐसा किस कारण होता है? जैसे एक साइड अगर हम लेटते हैं उस कारण से, या फिर मतलब अगर जाम होने में एक ही दिन लगते फिर जाम होने में एक ही दिन लगता है? नहीं जी, डॉक्टर को इस वाली एक्सरसाइज इसका नहीं पता। दर्द हुआ? होना भी चाहिए, होना क्यों नहीं चाहिए? आप किसी चीज पे बल दोगे दर्द तो होगा कि नहीं होगा? देखो अपने आप उठाओ, जैसे अपने आप उठाया, नहीं हाथ लगा के क्यों उठाया? जाता कहाँ तक था? अभी तो बिल्कुल ही नहीं उठ रही। दिखाओ बोलो जय श्री। देखो बहुत उठ गया, और कोशिश करो आप। चलो जय श्रीदेव बोलते हुए टेढ़े मत, जब पीछे जाओगे तो पता चलेगा इतना नहीं उठ रहे। जय श्रीदेव। जय श्रीदेव। जय श्रीदेव। शाबाश। जय श्रीदेव। जय श्रीदेव। जय श्रीदेव। रोको भाई। जय श्रीदेव। तुम्हारे दोनों के एक जैसी प्रॉब्लम कैसे? डॉक्टर क्या कहता है वैसे? कितने ऊपर आया? ऊपर आएगा ही, डॉक्टर को थोड़ी पता है कि नकारात्मकता कारण से। थोड़ा सीधा होने की कोशिश करो, अपना बंद करो, दर्द होने दो। कहाँ दर्द हो रहा है मेरे को बताना है? कहाँ? हाथ बताओ, हाथ बताओ। यहाँ यहाँ ये आपको पता नहीं, आपका हाथ और ऊपर तक उठ चुका है। बस बस दर्द बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ा। अब जहाँ तक गया वहीं तक जाएगा वापस, उससे ऊपर तक है ना, उसी ऊपर तक जाएगा। जहां तक मैं खोल दूंगा वहीं तक जाता रहेगा, है ना? गया ना? दोनों सहेलियों ने अभी तालियां बजाई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहन जी का अभी हाथ नहीं उठ रहा था, डॉक्टर से दिखा रहे थे, पर यहाँ भैया के पास आते ही हाथ उठना शुरू हो गया। आइए, इतने भावुक हो गए कि ये रोने भी लगे कि इनका हाथ ऐसे कैसे उठ सकता है। तो डॉक्टर भैया, आप लोग भी ऐसा पढ़ाई पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए भैया के पास आना होगा, इनको गुरु मानना होगा। जय शनिदेव। क्या नाम है तेरा? हरती। अच्छा,
नहीं हाथी किसका नाम होता है, देखो इसने कैसे निकाली, ऐसे निकल नहीं रही। जय शनिदेव बोलते हुए, जय शनिदेव बोलते हुए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, हाँ जय शनिदेव। ज्योत का तेल का मालिश भी करना है, ठीक है। काम नहीं हो रहा है इनका, तो पूरा ही मेरा था, उठ गया देख ले, उठ गया। बोले जय शनिदेव। तो इसलिए सभी लोगों से आग्रह है, जिनको भी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, साथ ही साथ घुटने बदलने के लिए डॉक्टरों ने कह दिया है, तो आप शनिधाम आकर अपनी चेकिंग करवाएं और इन सब परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। क्या नाम है? हरप्रीत। हरप्रीत को क्या हुआ बहन? किसके साथ आयो? सीमा कहाँ? आप आओ बहन आगे। क्या था पूरा, आपको समस्या क्या थी बताइए। डॉक्टर ने ये बोला कि मसल ब्लॉक हो रहे हैं। मसल ब्लॉक हो रहे हैं, तो जब मसल ब्लॉक हो रहे हैं डॉक्टर ने दवाई नहीं दी, राम भी नहीं आई दवाई, तो थेरेपी हो जाती है उससे, तो क्या है? थेरेपी भी ले रही हूं मैं अभी। कौन से डॉक्टर से थेरेपी ले रहे हैं? मैं वहीं आ सकती हूं, रोहिणी सेंटर। तो थेरेपी कौन देता है, कौन डॉक्टर होता है जो थेरेपी देता है? वहाँ मुफ्त में देते हैं थेरेपी, लेकिन जब आपने एनजीओ में भी गए वहाँ डॉक्टर मुफ्त में थेरेपी दे रहे हैं, तो उस थेरेपी से क्या आपको आराम लग रहा है? हैं? कुछ नहीं फर्क पड़ा। कुछ नहीं फर्क पड़ा। एम्स से भी दवाई ले रखी है, इतनी कम से कम उन्होंने भी दे रखी है आपको। मनु भैया ने क्या किया ऐसा? मनु भैया ने क्या किया ऐसा? इतना तो बर्दाश्त नहीं जितना कर रहे हो, इतना बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन हाथ ऊपर चला गया। बर्दाश्त तो इसलिए नहीं होता ना कि आप तो घरेलू नहीं है, ठीक है, आप शहरी होंगे। मनु भैया तो गांव के, गांव वाले तरीके से इलाज कर दिया आपका। हम भी गांव वाले लेकिन अब तो शहर के बन गए। वो पहले सभी गांव वाले थे, तो आप इतने सारे डॉक्टरों को क्या कहेंगे जो आपकी थेरेपी, आपका इलाज कर रहे थे? और मैंने तो केवल कितनी देर के लिए तेल लगाया मैंने बताना जरा, एक दो मिनट। और एक दो मिनट में आप कैसे हो गए पारस के? हो गए चार पाँच बार आना है आपको, पता है हाथ पूरा उठ गया? पहले कहाँ तक उठता था? अभी तो उठ ही नहीं रहा। एक काम करें आप, ये पहन के, आपसे ये नहीं पहना जाता था, और हाथ को पीछे भी करवाना है। मैंने ऐसे करके ना ऐसे ऊपर तक जाता था जहाँ पहले, ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? सीमा। सीमा आपको क्या होता था? मेरा हाथ बिल्कुल नहीं जा रहा था यहाँ से उस तरफ, ये कितना जा रहा है? कितना जा रहा है? थोड़ा मोड़ोगे तो और ऊपर तक दिखाई देगा। मोड़ना, हल्का सा हाथ मोड़ो, हल्का सा हाथ मोड़ो, ऐसे है ना। कितना जाता था ये? पहनी नहीं जाती थी आपसे। तालियां बजा दो भाई, बोलो शंकर भगवान की, ना उतारी जाए ना पहनी जाए, है ना। इसका मतलब भैया तो अगर किसी की ऐसे सेवा करेंगे तो उसके दोष दूर होंगे ही होंगे, और जब दोष है तो फिर डॉक्टर का कोई काम ही नहीं। तो डॉक्टर सारी जिंदगी भी दवाई खिला लेगा तो आपको लाभ होगा ही, हाथ भी नहीं लगता जो लगा रहे। तो आप डॉक्टर से क्या कहना चाहते हैं बहन? डॉक्टर को क्या कहेंगे? नहीं कुछ तो कहना चाहिए ना। अब उनसे राम नहीं आया तो देखो क्या कहना है। पैसे ले लो ना अपने। हाँ डॉक्टर से पैसे ले लो मनु भैया। अच्छा एक बात, आराम नहीं आया मनु भैया से पैसे ले जाओ, ठीक है। और डॉक्टर से आप बैठो, इधर आके बैठो, कमर में भी बहुत दर्द होता है, कमर का भी दर्द जाएगा। और दोनों बहनें ठीक हो गई हैं, दोनों सहेलियां ठीक हो गई हैं, एक दूसरे के लिए काफी रोती थी, बड़ी भावनात्मक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और हाँ 20 साल से। और मैं चाहता हूँ कि सहेलियाँ हों तो इनके जैसी। और आपके दोनों के नाम एक बार बोल के देखूँ मैं अपने मुँह से, जुड़ते हैं कि नहीं कहीं, बोलना। मेरा हरप्रीत है। और इसका हरप्रीत हैप्पी, इसका सीमा हरप्रीत हैप्पी बोलते हैं, हैप्पी नहीं बोलते? अच्छा सीता गीता बोलते भाई, इनकी जोड़ी के लिए तो मशहूर है, 20 साल पुरानी जोड़ी है, सीता और गीता, सीता और गीता, ठीक है। सीता और गीता की जान को हो गया फजीता, ठीक है ठीक है। अब दोनों हाथ लगाकर भी बांध नहीं पा रही है जूते का फीता, लेकिन आज मनु भैया के पास आई तो जैसे खा लिया हो मीठा पपीता, ठीक है। तो सीता और गीता की जोड़ी मशहूर हो गई दुनिया में, आज दुनिया में मशहूर हो गई सीता और गीता, ठीक है। चलिए आपने सीता जी, जी आपने अपना इलाज नहीं कराया,
डॉक्टर से? हाँ जी। क्या कहते हैं डॉक्टर आपके बारे में? डॉक्टर ने वो ये कि आपकी भी ब्लॉकेज है। कहाँ कहाँ कराया? मैं यहाँ के लखनगर में न्यूरो वो। अच्छा, न्यूरो से कराया तो डॉक्टर को ब्लॉकेज थी या आपको? नहीं, मुझे थी। अच्छा, आपको ब्लॉकेज बताई डॉक्टर ने। तब आपको कौन कौन सी दवाइयाँ दी? दवाइयाँ तो नहीं दी उन्होंने, वैसे थेरेपी करी है। कैसी थेरेपी की है? कितना न्यूरोथेरेपी कैसे होती है? मतलब वो दिमाग में कुछ लगाते हैं, 2000 पर दे लेते हैं आपसे? 2000 एक बार के लिए? 15000 रुपए दे के भी आप पैसे वापस क्यों नहीं लेते? मुझे एक पैसे का आराम नहीं है, मैं पैसे वापस क्यों ना लूं? कैसे लेते हैं बताइए? आपने कोई एग्रीमेंट साइन कराया? फिर क्या बोले? मतलब उनकी डिग्री देख के डरना है हमें? फिर हाँ, पर एक बात है, वो कह देगा मैं भी तो कई करोड़ रुपए में डिग्री लेके आया था। ये बात तो डॉक्टर आज के टाइम में कह सकता है, क्योंकि मेरी सरकार पागल है बड़ी। उन्होंने बोला ठीक हो, ठीक है, जिस काम को फ्री में करना चाहिए और जिस काम को केवल कैपेबल आदमी कर सकता है वो उनसे नहीं हो रहा है। तो सीता और गीता की जोड़ी मशहूर हो गई। सीता और गीता को डॉक्टरों ने ठीक कर दिया और इनका डॉक्टर केवल मनु भैया निकला। आगे ना जोर से हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा के दिखाओ सारी दुनिया को, बोल दो शंकर भगवान की जय। जो हाथ नहीं उठता था वो हाथ ऊपर उठ के ताली बजा रहा। ओ महाकसम, ओ महाकसम, और सारी बात खत्म। ठीक है, और जो बात थी वो कबूल हो गई और जो व्यर्थ की बातें थी वो फिजूल हो गई। क्या बात है ना जी, ये बात। तो अब आप क्या कहेंगी मेरे पास आके? आपके पास मैं कहूंगी कि आप भगवान हो। अरे ऐसे क्यों कह रही है? जो कहे वो भाई हो तो ऐसा, जो पहली बार में जाते ही कैसे सुख दे दे। बहुत परेशान थी। कैसे परेशान थी? बहुत ज्यादा। तेरा हाथ कहाँ तक उठता था? यहीं से बस ऊपर ही जा रहा था यहीं से। और आज? आज भी काफी जा रहा है। और तो ताली तूने बजाई? हाँ जी, हाँ जी, देखो। अच्छा एक बात है, ये तेरे पति के लिए तो सरप्राइज होगा जी, सबके लिए, बच्चों के लिए। अच्छा ऐसे करना मन, ठीक है ना? एक बात, इस करवट लेटना अपने पति को इस हाथ से मारना। एक बात ना, ठीक है ना? वो थोड़ा नीचे होके लेटना और जब उनको ऊपर से लगेगा और जब वो कहें तो कह देना मेरे तो हाथ दबा हुआ है। ठीक है, अपने हाथ को वहीं ले आना। ठीक है, तब उनको आश्चर्यचकित सरप्राइज लगेगा। ठीक है ना? नहीं, जब दो एक खाएंगे तो कह देना ओए मेरा हाथ उठने लगा, चमत्कार हो गया। तो सीता और गीता की जोड़ी मशहूर रही और हमने आज लोगों को खूब हंसाया। आपने अगर पूरा दिन हमारी वीडियो देखी हो तो पूरा दिन ही हमने हंसाया और हमने बताया सही मायनों में ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में है नहीं जो अपने अपनी पत्नी से एक दो बार ना क्या बोला मारना है कि नहीं? नहीं रुहला जी, हमने लोगों को सच्चाई बता दी कि सब अपनी पत्नी से पिटते जरूर है। ठीक है, रोज पीटती है 3 बार व्यवहारिक रूप से, वो कैसे शब्दों से ही पीट लेती है क्योंकि पत्नी आदमी की गुरु होती है। ठीक है ना? और घर में आदमी की इसलिए नहीं चलती, क्यों नहीं चलती? अगर वो चलाएगा अपनी तो कहेगी सेक रोटी। नहीं बताओ, तुम सारी बहनें खड़ी हो मेरे पास यहाँ, तुम बताओ तो सेक रोटी आदमी की तो गई है कि नहीं? बेचारे कितने लाचार खड़े। देखो 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 देखो, हाथ बांधे देखो, अरे हाथ उठाओ, हाथ उठ गया पूरा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत समय से बहन जी का हाथ नहीं उठ रहा था। आपका हाथ का प्रॉब्लम कितने समय से था? कहाँ दर्द हुआ बताना सीता, कहाँ दर्द हुआ? साल भर के आसपास। कहाँ? अच्छा यहाँ। अब नीचे का होना बंद हो गया? कौन कह रही थी? नहीं, डॉक्टर इतने दिन से इसकी थेरेपी वेरेपी कर रहा था, उसको नहीं कहा तूने? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कुछ भी? नहीं, मैं उनको बोला उनको भी बर्दाश्त नहीं होता था, खींचते थे वो तो बर्दाश्त नहीं होता था। अब खींचने से कभी उठा हाथ ऊपर? नहीं। फिर मनु भैया से कैसे उठ गया? उठाना जरा, तुम्हारे हाथ रोक दिए दोनों के किसी ने, तुम हाथ मिला के चली होगी यही दोनों, अब यही है दोनों, हाथ मिलाओ, चलो खड़े हो, खड़े हो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, नीचे आ, नीचे नीचे, अरे नीचे आ, अब ऐसे घूम जा मेरी तरफ कर, अब हाथ पकड़ो दोनों, यही यही हाथ है ना तुम्हारे, ऊपर करके चलो चलो, बोलो शंकर भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय। तुम्हारी जोड़ी को कभी किसी की नजर ना लगे, जिसकी नजर लगे उसको ही मनु भैया खा जाए। ठीक है, और सदा सुखी रहो, सदा कष्ट रहित रहो, अपने बच्चे पालो, मौज करो, आनंद में रहो और भगवान का भजन करते रहो।
चलिए आज दो बहनों के हैंड फ्री हो गए।